आप सभी ने अधिकतर लोगों को यह कहते सुना होगा कि इंसान अपने पिछले जन्म के कर्मों के फल माँ के गर्भ में भोगता है। इस विषय के बारे में हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा हुआ है और हमने यह जानना चाहा कि क्या वाकई शिशु को माँ के गर्भ में दुख भोगने पड़ते हैं। तो हमने यह जाना कि यह सत्य है। इस विषय के बारे में गरुण पुराण और भविष्य पुराण में विस्तार से बताया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मयंक कुमार एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं अपने YouTube चैनल यूजफुल जानकारी की इस महा वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए मित्रों, जान लेते हैं कि किस तरह शिशु माँ के गर्भ में पीड़ा भोगता है। इस पुराण के अनुसार हम शिशु के गर्भ में होने की स्थिति का भी पता लगा सकते हैं। भविष्य पुराण में संसार के दोषों का वर्णन करते हुए बताया गया है कि कैसे माँ के गर्भ धारण करने के 50 दिन बाद उसमें एक अंकुर निकलने लगता है। एक माह के अंदर अंकुर के 5 भाग बन जाते हैं। पहली गर्दन बन जाती है और दूसरा सर बन जाता है तथा तीसरे कंधे बन जाते हैं और चौथा पेट तथा पांचवी पीठ बन जाती है, जिसमें इन सभी की हड्डियों की एक माला बनने लग जाती है। 4 माह के अंदर उस अंकुल के हाथों की उंगलियां बनने लग जाती हैं और 5 माह में मुख कान नाक बन जाते हैं और 7वें माह में गुर्दा यानी किडनी और योनि और नाभि बन जाती है। 8वें माह में शिशु के सारे अंग विस्तार से बन जाते हैं तथा उसके सर में केस भी आ जाते हैं। भविष्य पुराण में आगे गर्भ में शिशु की स्थिति बताते हुए कहा गया है कि जो भी माँ भोजन के तौर पर ग्रहण करती है, उस भोजन का रस उसकी नाभि के जरिए शिशु के अंदर प्रवेश करता है और वही रस शिशु के पोषण का जरिया बन जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ तक तो आप सभी नॉर्मल ही तरीके से जानते होंगे, लेकिन भविष्य पुराण में इसके आगे शिशु के बारे में जो बताया गया है, जरा उसे ध्यान से सुनिएगा। भविष्य पुराण में बताया गया है कि शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तब वह हर सुख दुख को भली भांति समझता है। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि माँ के गर्भ में शिशु को अपना पूर्व जन्म भी याद होता है। उसे याद होता है कि उसके साथ पिछले जन्म में क्या क्या बर्ताव बरते गए हैं और उसे यह तक भी याद होता है कि उसकी पिछले जन्म में कैसे मृत्यु हुई है। भविष्य पुराण में यह लिखा हुआ है कि शिशु यह विचार करता है कि मैंने अनेकों योनियों में जन्म लिया है और बार बार मुझे मृत्यु ही प्राप्त हुई। शिशु समझता है कि उसे पुनः गर्भ से बाहर आने के बाद संसार के बंधनों में बंध जाना होगा। ऐसे में वह शिशु माँ के गर्भ में उदास होकर वह मोक्ष का रास्ता ढूंढने लग जाता है और वह बहुत दुखी रहता है। इस बात को आगे लेकर भविष्य पुराण कहती है कि जितना कष्ट किसी इंसान को किसी पर्वत के नीचे दब जाने से होता है, ठीक उतना ही दर्द गर्भ में शिशु को होता है। समंदर में डूब जाने से जो दुख होता है, वही दुख माँ के गर्भ में पल रहे शिशु को गर्भ के पानी में होता है। गर्म लोहे के खंभे से बंधे हुए जीव को जितना दर्द होता है, ठीक उसी प्रकार गर्भ के अंदर के तप से शिशु को उतना ही दर्द होता है। भविष्य पुराण में शिशु की पीड़ा को समझाते हुए आगे बताया गया है कि सुइयों से बांधने पर जो हाल होता है, उससे 8 गुना ज्यादा गर्भ में पल रहे शिशु को दर्द होता है। किसी भी जीव के लिए गर्भ में रहने से अधिक कोई भी दुख नहीं है। भविष्य पुराण कहता है कि इन सभी दुखों से कहीं ज्यादा दुख जब होता है तब शिशु जन्म लेता है। यह बताया गया है कि जब शिशु जन्म लेता है और जब बाहर की वायु शिशु को छूती है, तब वह अपने पुराने जन्म को भूल जाता है। वो अपने अस्तित्व यानी ईश्वर को भी याद नहीं रख पाता है। यही कारण होता है कि शिशु जब गर्भ से बाहर आता है और वह जोर जोर से रोने लग जाता है और वह यह नहीं समझ पाता है कि वह कहाँ था और अब वह कहाँ है। भविष्य पुराण कहता है कि इस हाल में बुद्धि होते हुए भी वह बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता है। भविष्य पुराण में आगे बताया गया है कि माँ के गर्भ के अंदर पीड़ा भोगने के बाद
जब शिशु गर्भ से बाहर आता है तब भी वह अपने पूर्व जन्मों के कर्मों का फल ही भोगता है, लेकिन भविष्य पुराण यह भी कहती है कि गर्भ के अंदर और गर्भ के बाहर आते वक्त जो पीड़ा शिशु को होती है उसके सामने सांसारिक पीड़ा कुछ भी नहीं होती है। मेरे प्यारे मित्रों, हम आप सभी को बता दें कि हमने यह जानकारी भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण के माध्यम से दी है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह जानकारी काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी लोगों को यह पता लग जाए कि गर्भ में शिशु को कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। और यदि अगर आपको हमारी ऐसी ही वीडियो देखनी है तो कृपया आप हमारे इस चैनल यूजफुल जानकारी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी सारी वीडियो देखने को मिलती रहेगी। अब आप हमें इजाज़त दें ताकि हम आपके लिए एक और ऐसी ही रोचक जानकारी लेकर आ सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।